देश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा को उसके गढ़ में हर जगह हार मिली है। भाजपा ने ताकत दिखा दी है और दिखा दिया है कि किस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में भाजपा की रणनीति काम कर गई है। कन्नौज, बदायूं, रामपुर, फर्रुखाबाद जो सपा के गढ़ है, इन सभी सीटों पर सपा की करारी हार हुई है। फर्रुखाबाद में सपा की बागी निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका यादव ने भाजपा के सहयोग से जीत हासिल की है। भाजपा के खुले समर्थन से मोनिका यादव को यहां पर जीत हासिल हुई है। सपा प्रत्याशी डॉक्टर सुबोध यादव यहां पर हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सपा प्रत्याशी की हार हुई है फर्रुखाबाद में। इसके अलावा बदायूं से भी ऐसी ही खबर है। धर्मेंद्र यादव जो लगातार बदायूं में कैंप किए हुए थे, लेकिन बदायूं में भी भाजपा को जीत मिली है। कन्नौज में भी भाजपा को जीत मिली है। कन्नौज की सीट हॉट केक मानी जा रही थी। सपा और भाजपा की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे, प्रतिष्ठा का चिन्ह था और भाजपा ने यहाँ पर अपनी नाक बचा ली है। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की मेहनत बेकार चली गई है, क्योंकि बदायूं में भाजपा ने सपा को हराकर चौंका दिया है। बदायूं में तो माना जा रहा था कि सपा ने मास्टर स्ट्रोक करके भाजपा से सीट छीन ली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामपुर, आजम खान का गढ़ रामपुर, यहां पर भी सपा की करारी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सपा उम्मीदवार को हरा दिया है। इन सभी सीटों पर सपा समर्थित जो सदस्य थे उन्होंने साफ तौर से क्रॉस वोटिंग की है। सपा अपने ही समर्थित सदस्यों का वोट नहीं ले पाई है, साफ है। सपा को भीतरघात का सामना करना पड़ा है। सपा को उम्मीद के अनुरूप परिणाम कतई नहीं मिले हैं इन चुनावों में। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं।